दोस्तों भारत में उपहार के तौर पे 1 रुपया क्यों दिया जाता और इस 1 रुपये को शगुन का रुपया क्यों कहा जाता है दोस्तों, ये चीज़ जो है मैथमेटिक्स से जुड़ा है दोस्तों। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि गणित में एक ऐसी संख्या जिसे किसी से भी विभाजित नहीं किया जा सकता, मतलब किसी से भी डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे शगुन का रुपया कहा जाता है। और ये उपहार हमेशा शादी के समय दिया जाता है या किसी विशेष प्रकार के उपहार में दिया जाता है। शादी के समय इसलिए दिया जाता है ताकि नौ दंपति अपने जीवन में कभी विभाजित ना हो, यानी कभी अलग ना हो, पति पत्नी के बीच में संबंध खराब ना हो। 1 रुपये की तरह वह समाज में किसी भी संख्या के साथ जुड़कर उसका मूल बनाए रखें और हमेशा अलग ना हो, इसलिए 1 रुपये को शगुन का रुपया भी कहा जाता है और 1 रुपये को बहुत प्रचलित कर दिया गया। इस तरह की वीडियो रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।